वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ने और एक मैंने अभी वीडियो डाला मार्वल HQ करके, तो डिज्नी XD का नाम रीनेम हुआ है, एक उसको मार्वल HQ कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। साथ में हमको मार्वल के सभी एनिमेटेड सीरीज उसमें देखने को मिलेंगे। मार्वल एवेंजर्स असेंबल सीजन 1, 2, 3, 4, 5 पूरे हिंदी में आ जाएंगे, इस बात की हमें गारंटी मिलती है। उसके बाद में दूसरा अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी सीजन हैं सब सीजन मिल जाएंगे। उसके बाद में हल्क स्मैश वो मिल जाएगा। उसके बाद में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीजन 1 और 2 जो भी जितने भी सीजन अभी निकले होंगे या निकल रहे होंगे वो भी हमें मार्वल HQ यानी डिज्नी XD के चैनल पे, यानी जो रीनेम्ड हुआ है मार्वल HQ के चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद में दूसरी एक खबर और क्या था, हाँ कुछ आप बेबलेट या पोकेमॉन वो भी इस पे चैनल पे चलेंगे। अब वो कब तक चलेंगे, कितने दिन तक चलेंगे वो अभी बता नहीं सकते, लेकिन देखते हैं अभी कब तक होगा। तो अभी कुछ इंडिया में ऐसा होने वाला है कि जो पैक्स है उन सभी के अलग अलग रेट्स है, हमें जो पैक चाहिए उसी के हमें पैसे देना पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा आइडिया है, तो इसी आइडिया का फ़ायदा मार्वल के टीम ने उठाया है। उनने एक डिसाइड किया कि इसी यही सही वक्त है मार्वल को कुछ अच्छा कर दिखाने का, और जो हमारे फैंस हैं मार्वल के जो फैंस हैं छोटे बच्चे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, छोटा भीम से छुटकारा दिलाने का ये एक सही मौका है। तो उन्होंने ये काम किया और बहुत ही बढ़िया काम किया, मैं उन्हें पूरा फुल सपोर्ट करता हूँ। और मैं भी कोशिश करूँगा कि मार्वल HQ से रिलेटेड मैं भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहूँ और आपको और ज़्यादा इंटरटेन करने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं Q&A। तो स्टार्टिंग चैनल हिंदी, सो गाइस व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, मैंने कैप्टन को करूँ या थॉर को Tier 3 करूँ? अच्छा, पहले किसको करूँ? तो पहले मेरे ख्याल से कैप्टन को कर लो, क्योंकि कैप्टन पहले मेन है, तो कैप्टन को पहले कर लो Tier 3, क्योंकि वो यूनिफॉर्म के बिना और Tier 3 के बिना थोड़ा सा ये हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इसलिए पहले वो कर लो, उसके बाद में फिर आगे की तरफ जाओ। सबसे पहले कैप्टन, उसके बाद में फिर जो आपको सही लगे वो आप करो। हाँ, कन्फ्यूजन लगे तो पूछने के लिए मैं हूँ, आंसर देने के लिए भी मैं हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। शैडोलैंड में 7 चैप्टर में स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका स्कॉट था, नहीं हो रहा है, सब Tier 2 है। Chapter 7, मैंने अभी शैडोलैंड खेला नहीं आज, कल भी बिजी था, आज भी बिजी हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाला, तो चलो थोड़ा सा कमेंट रीड कर लेता हूँ, तो उसी थोड़ा सा मैं टाइम निकाला। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा देखो वहाँ पर लीडरशिप वाले कैरेक्टर यूज़ करो, कम से कम शैडोलैंड में एक कैरेक्टर, एक या दो या तीन ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करो। जहाँ लटक रहे हो, जहाँ आपको बहुत हार्ड पड़ रहा है, वहीं पे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर यूज़ करो, और बाकी जगह पे लो से लो जो कैरेक्टर है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करो। ध्यान रहे आपका जो जिस स्टेज में आप खेल रहे हो, जिस कैरेक्टर को लेकर खेल रहे हो वो सही हो, ऐसा नहीं कि वहाँ लिखा हो कि ब्लास्ट टाइप कैरेक्टर और आप ले जा रहे हो कॉम्बैट कैरेक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ब्लास्ट है तो ब्लास्ट ही ले जाना है आपको, कॉम्बैट है तो कॉम्बैट ही ले जाना है, यूनिवर्सल होगा तो यूनिवर्सल ले जाना है, उसके अलावा कोई भी आपको कैरेक्टर वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज वो स्टेज क्लियर नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। जिनके कार्ड और अलायंस अच्छे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनके पास ये दो चीज़ अच्छी नहीं है उनको दिक्कत होगी ये स्टेज क्लियर करने में। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, जेंग्री का 6600 क्रिस्टल देना सही है क्या? सही है, फोनिक्स मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर Tier 3 आ गया तो और भी अच्छी बात है, वोल्वरिन है Tier 3 आ गया और भी अच्छी बात है, इसलिए उसको अगर आप लेते हो तो कोई अभी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो डॉक्टर डूम है, उसके बाद में स्ट्राइफ है, ऐसे कैरेक्टर पे अगर आप करते हो तो ये आपको लॉस करेगा, लेकिन फोनिक्स पे कोई आपको लॉस नहीं होगा, टोटल आपका मनी रिटर्न में मिलेगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि पूरा पैसा वसूल, यानी फोनिक्स से ऐसी कैरेक्टर अगर आप उसकी मेहनत करके 6600 क्रिस्टल का पैक परचेस कर लेते हो मैग्नेटो का, तो वो भी आपको रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा, और पूरा पैसा वसूल कैरेक्टर है। मैग्नेटो का भी Tier 3 आ गया तो वो भी अभी पैसा वसूल कैरेक्टर हो गया है, और फोनिक्स तो मिलना ही मिलना है, तो टोटल अच्छा है। वोल्वरिन पे इस पे करो मैग्नेटो, बहुत अच्छा है वो। ब्रो, मैंने एक्सट्रीम ऑब्लिक्स में गार्ड बैक इम्यूनिटी डैमेज ब्लॉक कैसे हासिल करूँ? एक्सट्रीम ऑब्लिक्स में दोनों मिलता है नहीं है, प्लीज़ बताओ ब्रो, मैं गार्ड बी कम्युनिटी कहाँ से लाऊँ? गार्ड बी कम्युनिटी सेकंड नंबर के ऑब्लिस्क में मिल जाता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, हाउ टू फाइंड गार्ड बी कम्युनिटी ऑब्लिस्क इज़ वेरी इजीली, तो वो एक वीडियो मैंने बनाया, तो वो जाकर देख लो। आपको स्पेशल मिशन में कोई भी कहीं भी करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे एक दो तीन कहीं ना कहीं
दो स्टार का ऑब्लिस में आपको गार्ड भी कम्युनिटी सबसे ऊपर में लिखा ही होगा, वो वाला उसको लॉक कर लो, उसका अपग्रेड करो, तो उसके अंदर भी आपको रोल करना पड़ेगा। चाहो तो दूसरे ऑब्लिस भी क्रिएट करो सेम वही वाले गार्ड भी कम्युनिटी के वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लिस रोल करो। तो मैंने ऐसी किया तो मेरे पास 140 110 120 ऐसे जो डैमेज प्रॉक वाले गार्ड भी कम्युनिटी के साथ आते गए। तो कभी कभी आते कभी नहीं आते, लक अच्छा रहा तो लक पे डिपेंड है, लेकिन करूँगे तो होगा। तो जल्दी से ज़्यादा दो स्टार के ऑब्लिस ढूंढो गार्ड भी कम्युनिटी वाले, उसको लॉक करो और अपग्रेड करते रहो एक्सट्रीम ऑब्लिस तक। उसके बाद में एक्सट्रीम ऑब्लिस हो गया, अभी नेक्स्ट जो दूसरे ऑब्लिस के दो स्टार के जिसके अंदर गार्ड भी कम्युनिटी है उसको भी सेम वैसे ही करो। तो प्रोसेस एक चलने दो जब तक गार्ड भी कम्युनिटी के साथ डैमेज प्रॉक नहीं मिल जाता, और जिस कैरेक्टर को आप दे रहे हो उस कैरेक्टर के लिए वो परफेक्ट नहीं बन जाता, तब तक आप रिसर्च करते रहो। और अगर आपके पास में ज़्यादा एक्सट्रीम ऑब्लिस है तो रोल भी कर सकते हो ज़्यादा हो तो। ब्रो मैं लेकिन डेली स्पेशल मिशन खेलता हूँ तो, लेकिन कभी तक अभी बार गार्ड की कम्युनिटी मिला नहीं है तो कैसे मिल सकता है? ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल कर सकते हैं आप लोग, बहुत इजी है। आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, टच करके देखो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा दो स्टार का गार्ड भी कम्युनिटी वाला ऑब्लिस्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते। मेरा रैंक 9 है प्रीमियम में बिना रिचार्ज किया, बहुत अच्छी बात है। ब्रो मैं MFF में डॉक्टर स्ट्रेंज वैसे डॉक्टर डूम कौन सा बेस्ट कैरेक्टर है? डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलवेज 100% श्योर। ऊपर से टायर 3 भी आएगा जल्द एंड गेम में, तो देखते हैं अभी क्या होगा। मेरा गला ख़राब है। मेरे पास CCFO का भी 800 के करीब आसपास। एक मिनट, रितम साहा बोलते हैं, पर क्या बोलते हैं जरा देखो दूसरी। स्पाइडरमैन में कोई हैकर, एक मिनट, स्पाइडर भाई मैं कोई हैकर नहीं हूँ, पर मैं जब एक वाईफाई से डाउनलोड करता था तब सिक्योरिटी अलर्ट दिखा रहा था। वो इसलिए है क्योंकि वो हैक मोड होगा, एक तो वो गलत है, ऊपर से सिक्योरिटी जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो गई है गेम की, तो उस वजह से जो सिक्योरिटी लेवल है वो आपको दिखाई देगा, सिक्योरिटी कोड वगैरह ECT। भाई इतना भी हार्ड नहीं है, मेरा करंट रैंक का 17% पे हूँ वेब्रेनियम लीग में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास कैरेक्टर नहीं है, जिनके पास कैरेक्टर में इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, जिनके पास गोल्ड नहीं है, जिनका गियर्स अच्छे लेवल पर नहीं है, उनका क्या, उनका तो सोचो, इसलिए उनके लिए हार्ड है। भाई फेसबुक फ्रेंड पर इन्वाइट करने क्रिस्टल मिलते हैं तो उन्हें इन्वाइट करके क्रिस्टल कैसे पाए? बहुत उदय कुमार ने बहुत सही आंसर दिया, लेकिन उससे भी बेटर आंसर मैं देता हूँ। सबसे पहले तो अपना फेसबुक जो है कनेक्ट कर लो गेम से, सही वाली आईडी करना, गलत आईडी करोगे तो फिर पछताओगे। सही वाली आईडी करना जिस पर आप करंट रख सकते हो, या फिर गेम की एक दूसरी आईडी बना लो जिसका आईडी या पासवर्ड आप लोग को लिख के रखना। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस बता दो। नेक्स्ट प्रोसेस ये है, मेरे एक ऑफिशियल पेज और ऑफिशियल ग्रुप है उस पर जाना। वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना, वो भी आपको करेंगे। एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो आप लोग, फेसबुक पे पोस्ट डाल देना कि मुझे आई हैव फ्रेंड्स फॉर क्रिस्टल, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेंड्स आपको फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे, जिससे आपको क्रिस्टल मिलेंगे। क्रिस्टल का इस्तेमाल आप फिर आप क्या करना है वो आप देखते पड़ो, ठीक है? तो लिंक है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक है फिर मेरा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसका भी है, पेज बनाया मैंने FB पे, उसका भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। भाई ऐसे वक्त कॉर्वस ग्लाइव बहुत काम आता है, आपका कमेंट मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि जो मेरे कैरेक्टर्स है वो सभी बैन हो चुके हैं, जिसको मैंने यूज़ नहीं किया था वो भी मेरे बैन हुए। एग्जाम्पल एंटमैन, उसके बाद में आयरन मैन, ये मैंने यूज़ नहीं किया था फिर भी वो बैन हो गए। उसके बाद में और दो तीन कैरेक्टर थे जिनको मैंने यूज़ नहीं किया, बाकी को मैंने यूज़ नहीं किया था वो भी बैन हो गया। ये कोई